इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और हरियाणा से महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन को टिकट दिया है। बता दें कि बीजेपी ने रेखा शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेखा शर्मा 2018 में भारतीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। इसी वर्ष अगस्त में उन्होंने आयोग से इस्तीफा दिया था। रेखा शर्मा पंचकुला की रहने वाली है। साथ ही कहा जाता है कि पीएम मोदी की वो काफी करीबी है। पीएम मोदी जब भाजपा के प्रभारी थे तब से ही रेखा शर्मा उनसे जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी करी है जिसमें हरियाणा से महिला आयोग की पूर्व चेयरमैन को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने रेखा शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेखा शर्मा 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई थी। इसी वर्ष अगस्त में उन्होंने आयोग से इस्तीफा दिया था और रेखा शर्मा पीएम मोदी की काफी करीबी भी मानी जाती हैं।